साल 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पूरी पार्टी जो है बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं नीतीश सरकार से कि 15 सालों में कितने को रोजगार दिया गया है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। सर, आप जदयू कोटे से मंत्री हैं और आरजेडी कह रही है कि सरकार ने 15 सालों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है, इस पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। नहीं, सरकार अपने तरीके से जो भी सरकार की अचीवमेंट है वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सरकार हमेशा बोलती रहती है, लेकिन आरजेडी को पहले तो ये बताना चाहिए ना, आपने क्या किया अपने 15 साल के कार्यकाल में, कितने रोजगार आपने छीनने का काम किया, किस तरह से जातीय नरसंहार को आपने बढ़ावा दिया, किस तरह से दंगा किए गए, किस तरह से जो इस्टैब्लिश बिजनेसमैन थे सब छोड़ करके बिहार चले गए, आपने अपने राजपाट में किया क्या? आप आज सवाल उठा रहे हैं, आपने तो पूरे बिहार को बेरोजगार बना दिया। अब 15 साल में नीतीश कुमार ने तो मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, किस तरह से बिजली और पानी दिया, तो इससे तो प्रदेश में रोजगार बढ़े हैं ना, और रोजगार बढ़ाया गया। किस तरह से आपके समय में बीपीएससी का अध्यक्ष जेल जाते थे, नीतीश कुमार के शासन में कोई बीपीएससी का अध्यक्ष जेल गया है क्या? आपके समय क्या भ्रष्टाचार था? आप क्या प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप तो पूरी तरह से हमाम में जिसको बोला जाता है नंगा हैं आप। आपको तो दूसरे पर जो अपने जिसको बोलता है कि जिस छलनी में अपने 75 तो छेद है वो दूसरे पर सवाल उठा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? करेंगे, समय आएगा तो आंकड़े, विपक्ष के कहने पर आंकड़े जारी करेंगे, जब समय आएगा हम भी आंकड़े जारी करेंगे, हम निपटेंगे इनसे। तो इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स है या पब्लिक मीटिंग्स है या जहाँ जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस टाइप के मंदिर होम हो, सबको कंटेन किया जाए, जहाँ पब्लिक का कम से कम आना जाना होता हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर कम किया जाए, तो उससे हम ज़्यादा बेटर बिहेव कर पाएंगे। हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो रही है कहीं बिहार में? नहीं, उस पर तो माननीय मंत्री स्वास्थ्य ने कल बयान भी दिया था कि हम इसकी कमी नहीं होने देंगे और उस पर प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए टोल नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं तो उन इस टोल नंबर पर फ़ोन कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह से सचेत है और हम लोग जिस तरह से फेयरली बिहेव कर रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाले समय में भी हम लोग मजबूती से इसका सामना कर पाएंगे। सर, बड़े अधिकारी आप लोग जनता से मिल नहीं रहे हैं, डर से ऐसा कुछ कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए, उसमें दो बातें हैं, क्योंकि पब्लिक, हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हमारे जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं या उनको कोई परेशानी होती है। फालतू में तो बहुत कम ही लोग घूमता है यहाँ वहाँ पटना में, तो जब जो लोग आते हैं जिनको परेशानी है उनसे मिलते हैं, उनको हम ये नहीं कहते हैं कि अब कोरोना वायरस है हम किसी से मिलेंगे नहीं, मिलते हैं, उनको भी सैनिटाइजर देते हैं, उनको भी बैठाते हैं, उनको भी चाय पिलाते हैं, प्रयास करते हैं कि हम कम मिलें, उनको भी कहते हैं कि आप इधर अभी ज़बरदस्ती का ज़रूरत नहीं हो तो इधर उधर मत घूमिए, आप भी घर पर रहिए, इत्मीनान कीजिए, अभी एक हफ्ता 10 दिन कम से कम कोरोना वायरस कैसे बिहेव करता है, स्प्रेडिंग का क्या बिहेवियर होता है, उसको देख करके ही आगे का हम लोग स्ट्रैटेजी फिर तय करेंगे। सदन को स्थगित करने का भी प्रस्ताव? हाँ, तो भाई जरूरी है ना, यहाँ तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोग पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार से मिले हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, तो इस तरह से स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए इसको बंद किया गया है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव और आरजेडी ने सरकार से रोजगार के मुद्दे पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। इसको लेकर के अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि जिसने खुद बिहार के लिए कुछ नहीं किया वो सवाल पूछने वाला कौन होता है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।